रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर। इस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना का विधिवत शुभारंभ प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री संजय सत्येंद्र पाठक ख्यात हुआ। इस दौरान महापौर शशांक श्रीवास्तव और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता पटेल भी मौजूद थी। इस योजना के तहत जिले के 85,151 घरों तक रोशनी पहुंचेगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु दिसंबर माह में कार्य हो चुका है, जिससे विद्युत विभाग के मैदानी अमले ने ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर योजना के तहत 6,244 घरों में विद्युत कनेक्शन किया। इससे लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने वितरित किए। सौभाग्य योजना के शुभारंभ के अवसर पर राज्य मंत्री श्री पाठक ने इस योजना को भारत सरकार की सबसे बड़ी देन बताया। उन्होंने कहा कि देश को सौभाग्य योजना जैसी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता के नेतृत्व में ही मिल सकती है। उनका लक्ष्य मार्च 2019 तक हर घर में विद्युत कनेक्शन कराना है। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषक विद्युत योजना की जानकारी भी उपस्थित जनों को राज्य मंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में निवासरत सभी तबकों के साथ है, किसानों के साथ हर कदम पर आगे बढ़कर कार्य कर रही है। किसानों के खेतों तक बिजली के खंभे पहुंचे लकड़ियों की बल्लियों के सहारे नहीं, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में यह योजना चलाई जा रही है। राज्य मंत्री पाठक ने वित्त विभाग के अधिकारियों को इस योजना को सरल तरीके से जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। देखिए, भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसका नाम सौभाग्य योजना है। इस योजना के तहत हिंदुस्तान के अंदर जितने भी घर ऐसे हैं जहाँ पे बिजली के परमानेंट कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, ऐसी जगह कनेक्शन पहुँचा के देना, चाहे लोगों के पास पैसा हो या ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बिना शुल्क लिए ऐसे लोगों का जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके घर तक बिजली पहुंचा के देना, क्योंकि रोशनी का अधिकार तो सबके ऊपर सबके पास होना चाहिए। केवल जो बड़े सक्षम आदमी है वो अपने घर में पैसा दे के बिजली लगवा लें और एक गरीब आदमी जिसके पास क्षमता नहीं है वो न लगाए, ये एक बड़ा अंतर था। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अंतर को पाटने का एक सार्थक प्रयास किया है और सौभाग्य योजना के माध्यम से अब घर घर बिजली और घर घर परमानेंट कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसका हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि इसी साल के अक्टूबर के पहले कट्टी जिले में 85,000 ऐसे घर हैं जिनके पास परमानेंट कनेक्शन नहीं थे, या कई घर ऐसे भी थे जिनके पास ना टेम्परेरी थे ना परमानेंट थे, हर घर में परमानेंट कनेक्शन लगा के देंगे। सौभाग्य योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में महापौर श्री शशांक श्रीवास्तव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह योजना अद्भुत योजना है, इसके तहत पूरे देश में काम चल रहा है। हर घर बिजली कनेक्शन की है पारदर्शी योजना सराहनीय है, इससे बहुत से जरूरतमंद घरों में बिजली रोशनी पहुंचेगी। हम जनप्रतिनिधि भी सक्रियता से इस योजना के क्रियान्वयन में सहभागी बने। जिनके घरों में विद्युत कनेक्शन नहीं है उनके घरों की फॉर्मेलिटी पूरी कराने में सहयोग करें। इस तक बिजली पहुंचानी है घर घर तक, लेकिन ये भी एक अद्भुत काम है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उससे भी एक कदम आगे बढ़कर के ये चाहा कि जितने जल्दी ये योजना हमारे घर प्रत्येक घर में पहुंच जाए, उसकी चिंता करते हुए अक्टूबर तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचे, तो ये एक बहुत अद्भुत कार्य होने जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, जिसमें आम जन को बिगर किसी राशि के जो कि इसके लिए पात्र होता है उसके घर में बिजली का कनेक्शन व्यवस्थित लगेगा और बिजली की सुविधा होगी। आप उस कांग्रेस के कार्यकाल को याद करिए जहां पर बिजली नहीं होती थी, लेकिन यहां पर यह स्थिति है कि एक एक व्यक्ति को पहचान करके, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, हर घर में बिजली का कनेक्शन हो, उसके लिए बहुत पारदर्शी व्यवस्था जो की गई अत्यंत सराहनीय है। हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सारे अधिकारी सारे कर्मचारी इसको एक ईश्वरीय कार्य मान करके चले कि गरीब के कल्याण का काम करने जा रहे हैं वो, और हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वो नगर निगम के पार्षद हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, उनकी हम सब मिलजुल करके इस कार्य में पूरा सहयोग करेंगे ताकि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक प्रत्येक घर तक पहुँचा सके। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र द्वारा जिले में सौभाग्य योजना के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जिले में 85,000 घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। अक्टूबर 2000 तक हम जिले में अपना पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस कार्य को 3 भागों में बांटकर कार्य करेंगे। कटनी जिले में करीब 85,000 कनेक्शन को घरों को बिजली प्रदाय करना है। यह दुरूह कार्य हमको अक्टूबर 2018 तक पूर्ण करना है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहले 24,000 ऐसे घर है जहाँ पर की सीधे खंबे से तार खींच करके हम उनको बिजली दे सकते हैं। ये 24,000 हमको फरवरी तक कम्प्लीट करनी है।
इसके बाद करीब 30,000 मकान ऐसे हैं जहां पर कि हम सिर्फ एलटी विस्तार करके उनको कनेक्शन दे देंगे। ये हमको अगस्त तक पूरा करना है। इसके बाद जो बाकी बचे हमारे कनेक्शन, उनको जो है विद्युत प्रदाय करने के लिए हमें करीब 272 ट्रांसफार्मर लगाने हैं। ये काम हमारा जो है 1 फरवरी से चालू हो जाएगा करना, और ये सभी कार्य हम कंप्लीट करके अक्टूबर 2018 में विद्युत प्रदाय 100% घरों में कर। कार्यक्रम में जिला योजना समिति सदस्य व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री पीताम्बर टोपनानी, श्री राम रतन पायल, श्री हरिशंकर गर्ग, श्री विजय स्वर्णकार, श्री यश पाठक और श्री मिठुलाल जैन भी मंचासीन थे। इस अवसर पर विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य जन भी उपस्थित हुए।